ओ यार यहाँ पे हमारे बूजर का हाथ जला रहे हैं यार ये तो। भाई बूजर छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। सो हेलो गेमर्स, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। सो गाइस आ चुके हम लोग दोबारा से अपने डेज गॉन के एपिसोड पार्ट 2 लेकर। सो गाइस जैसा कि आप सब लोगों ने ना पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि हम लोग एक गुफा के अंदर गए थे और उस गुफा से हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं ना उतने में गाइस क्या होता है कि आगे जाके हमें ना भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं। अब गाइस यार उन ज़ॉम्बीज से हमें कैसे भी करके फाइट करना है क्योंकि वहां पे आगे जाके है ना हमें गैराज में से ना हमारे बाइक का बॉडी पार्ट लेना है ताकि हम लोग है ना भाई अपनी जो डिक है ना उसकी बाइक को ठीक कर सके। अब गाइस यार वो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है, क्या हम लोग उन ज़ॉम्बीज को मार पाएंगे या नहीं, वो तो गाइस यार आप लोगों को गेम प्ले के अंदर ही देखने मिलने वाला है। सो ठीक है गाइस अभी फिलहाल हम लोग अपने गेम प्ले को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस यार अभी हमें यहाँ पे भूजन ने ये बोला है कि मैं आगे की तरफ निकलता हूँ ताकि आधे ज़ॉम्बी जो है भाई वो मेरे पीछे आ जाएंगे और तुम यहाँ से ना इजीली तरीके से ना एक गैराज है वहां से जाके ना तुम अपनी जो बाइक का बॉडी पार्ट है वो लेके आ सकते हो। सो ठीक है अभी देखते हैं गाइस यार आखिर हमें कैसे करके लेके आना है क्योंकि यहाँ पे अभी भी है ना भाई ज़ॉम्बीज हमें सामने को देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है यार देखते हैं आखिर कोशिश करेंगे, लेट्स गो। ओके तो यार यहाँ पे जो अपने छोटे जो ज़ॉम्बीज है ना इनका नाम नेल्स है, ठीक है। ओके तो यार ये तो वैसे भी हमसे डर के भाग रहे हैं यार, चलो ठीक है यार ये तो हमारा काम थोड़ा आसानी हो गया है। तो अभी यहाँ पे ना इन छोटे ज़ॉम्बीज के बारे में बता रहा है तो ये है ना भाई हमें देख के यहाँ पे भाग जाएंगे और ये हम पे हमला तब करेंगे तब हमारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम होगी और अगर हम लोग है ना इनके किसी इलाके में चले गए तब जाके ना यहाँ पे हमला करेंगे। सो ठीक है अभी फ़िलहाल है ना हम लोग इनके इलाके में तो जाएंगे ही नहीं जैसा हो सकेगा। सो ठीक है जल्दी से ना सबसे पहले हम लोग अपने मिशन के ऊपर ध्यान देते हैं, लेट्स सी थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ओके तो यार यहाँ पे एक जो ज़ॉम्बी है वो भाई आराम से अपना नाश्ता कर रहा है, रुक जा बेटे रुक जा, तेरे को ना एक साइलेंट अटैक देना पड़ेगा क्योंकि गाइस है ना अगर हम लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ों को भी नहीं मारा ना तो आगे जाके यार हमारा ही खतरा हो सकता है। सो हम लोगों को ना थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके तो यहाँ पे ना एक हाउस है इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं क्योंकि है ना गाइज अगर हम लोगों को यहाँ पे कुछ मेडिकिट वगैरह यहाँ पे कुछ मिल गई ना तो यार हमारे लिए आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो ठीक है यहाँ पे ये क्या है, बेसबॉल। ओके तो यहाँ पे एक बेसबॉल है जो कि हमारे आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि यार गन का भरोसा नहीं है कब जाके है ना भाई हमारी गन की जो गोलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। सो यार ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ओके तो यहाँ पे भाई जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई हम लोग सारी की सारी उठा लेंगे जब तक है ना भाई हमारा बैग ना भरी जाए। सो यहाँ पे ये क्या है, ओके चलो देखते हैं यार इसको ओपन करके। चलो ठीक है यार यहाँ पे हमें कुछ ड्रिंक वगैरह भी मिल रही है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आगे जाके काम आएगी। चलो यार यहाँ से भी हम लोगों ने सामान उठा लिया है एंड अब यार है ना इस जगह से बाहर निकलते हैं, ठीक है यहाँ पे लेकिन है ना हम लोगों को ओबिट यहाँ पे मुझे लगता है इस ज़ॉम्बी ने हमें देख लिया है, सच से देख लिया है। ओ शिट इसका अंदर एमो नहीं थी, मुझे यहाँ से थोड़ा आगे भागना पड़ेगा क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी हमें अभी मार देंगे ना तो भाई बहुत गलत सीन हो जाएगा। चल तेरी भैंस की टांग तेरी, तू भी आएगा, चल निकल यहाँ से तू भी आ तेरी, रुक जा यार इतने सारे ज़ॉम्बीज हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया है अब पता नहीं हम लोग बच पाएंगे या नहीं। ओके रुक साले तू खड़ा होगा, चल तेरी तो हट यहाँ से, उरे बच गई, रुक जा रुक जा रुक जा बेटा तेरे को भी एकदम पछाड़ी देनी पड़ेगी, चल यहाँ से। ओ गाइस यहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी एकदम से इतने सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। तो यार यहाँ पे अभी है ना हमें बूजर का कॉल आया था और बूजर ने हमें ये बोला कि अगर तुम्हें यहाँ पे बाइक का बॉडी पार्ट मिल गया है तो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी रेपर्स का साइन आ रहा है। अब यार रेपर्स आखिर कौन है पता नहीं, आखिर कोई गैंग है या जो भी है पता नहीं क्योंकि हम लोग जब से गेम स्टार्ट किया है ना हम लोगों ने तब से है ना भाई इन लोगों का हमने नाम सुना है। सो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। ओके तो यार यहाँ पे हमें अभी गैराज भी मिल चुका है। सो ठीक है यार जल्दी से देखते हैं आखिर यहाँ पे इसका मेन गेट कहाँ पे है, चल भाई यहाँ से देखते हैं आखिर हम लोगों को है ना इस गैराज के अंदर जाना है ताकि हम लोग है ना भाई एक अपना जो बाइक का बॉडी पार्ट है ना वो लेके आ सकें। सो देखते हैं यार यहाँ पे, ओके तो हम लोग है ना अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ पे शायद से हमें कुछ मिल सकता है। ओके तो यहाँ पे चलो हमें एक फ्यूल कैन मिला है और यहाँ पे भी है, चलो यार उठा लेते हैं क्योंकि आगे जाके है ना भाई हमारे काम आ सकती है ये सारी चीज़ें। ओके तो यहाँ पे ये क्या है, शायद से ये अपना गेट है। ओके चलो बाहर की तरफ चलते हैं वापस और लेकिन हमें यार है ना यहाँ पे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा यार,
हमें ना थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से कि कोई रास्ता वगैरह मिल जाए तो, क्या हम लोग यहाँ से, नहीं यार यहाँ पे से हम डायरेक्टली बाहर चले जाएंगे हम गेम के। ओके तो गाइस यार यहाँ पे है ना हमें अभी ऊपर जाने का रास्ता तो यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन यार यहाँ पे है ना एक ऊपर जॉम्बी भी है जो कि यार हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, और हम है ना यहाँ पे इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में शॉटगन में एमओ भी नहीं है, और अगर हम लोग ऊपर गए ना तो यार ये भाई जॉम्बी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। सो मुझे यही लगता है कि सबसे पहले ना हम लोग अपनी शॉटगन की एमओ ढूंढ लेते हैं ताकि है ना हम लोग इस गैराज के ऊपर जा सके और शायद से ना हमें ऊपर से कोई रास्ता देखने को मिल सकता है। सो यार सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे अपनी शॉटगन की एमओ ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है यही है कि यहाँ से हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और शायद से हमें यहाँ पे कुछ एमओ देखने को मिल सकती है। तो नहीं यार यहाँ पे तो हम लोग पहले भी आए थे, एंड यहाँ पे एक फ्यूल कैन है जो कि हमारे यार किसी काम का नहीं है यार, छोड़ो हटाओ इसको, इसको यहाँ पे डायरेक्टली नेक देते हैं। और यहाँ पे बैठ, हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल सकती है, इस डिक्की के अंदर चेक करते हैं, क्या पता हमें कुछ यहाँ पे अपनी कोई काम का सामान मिल जाए तो। सो यहाँ पे कुछ है चीज़ जो कि हम लोग उठा लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें एक सरप्राइज नाम की एक गन मिली है जो कि ठीक है हम लोग लेते हैं एक बार इसको। सो पता नहीं यार आखिर ये हमारे कैसे काम आने वाली है। सो जो भी है अभी फिलहाल हम लोग है ना अपनी यार ये शॉटगन की एमओ को ढूंढते हैं क्योंकि यार यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत है। ओके तो हम लोग इसको चेक करते हैं, भाई जल्दी से खोल ले यार क्योंकि बूजर है ना यार हमारा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा है। सो देखते हैं यार इसके अंदर क्या हुआ है। अभी है ना हमें यार कैसे भी करके जल्दी से है ना भाई शॉटगन की एमओ ढूंढनी होगी। ओके तो यहाँ पे अभी मुझे लगता है हम लोग अगर इन गाड़ियों को चेक करते हैं तो शायद से ना हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन यार सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी है और उसको अगर मारने जाएंगे तो इसके यार सारे साथी आ जाएंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यार, क्या मालूम कुछ मिल जाए हमें। ठीक है इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे यार कुछ है ही नहीं यार कोई काम का सामान। और सिर्फ यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ गया, चल हट यहाँ पे, दूसरे कोई ज़ॉम्बी आए जिससे पहले मुझे इसको मारना होगा, चल हट यहाँ से तू भी। भाई बहुत गलत सीन हो रहा है यहाँ पे, चल तेरी भैंस की टांग तेरी। ओ शिट, यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। शिट 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 शिट, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए जल्दी से और यहाँ पे उस अंदर चला जाना चाहिए मुझे इसके, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या मैं पहुँच पाऊँगा इसके अंदर। लेट्स गो, मैं जल्दी से इसके अंदर एकदम सेफ बैठ जाता हूँ। और यार ये देखो, ओ भाई यार भाई ये देखो कितना भाई इसको ठोक रहा है यार कि हम लोग अंदर घुस गए, कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ये। लेकिन यार हम लोग जैसे तैसे करके भाई बच गए, मुझे लगा कि हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे यार। सो ठीक है अब भी है ना हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं क्योंकि जब तक है ना ये जॉम्बीज हमसे दूर नहीं चला जाते हैं ना तब तक है ना भाई हम लोगों को यहाँ पे सेफ बैठना ज़रूरी है। ओके तो गाइस यार अभी मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे सेफ हैं क्योंकि सामने की तरफ सिर्फ हमें एक जॉम्बी देखने को मिल रहा है और उसको तो हम लोग है ना भाई कैसे भी करके मार देंगे और यहाँ से ना जल्दी से निकलेंगे। सो ठीक है भाई वो पीछे की तरफ देख रहा है, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके छुपके से इस तरफ भाग जाते हैं हम जब तक ये ज़ॉम्बी हमें देखे। लेट्स गो, मुझे भाई इन ज़ॉम्बी से कैसे भी करके बचना होगा और एक ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुका है, मैं वापस इसके अंदर चला जाता हूँ। ओ भाई चलो यार है यार है, लेकिन भाई खोल नहीं पाएगा। अरे भाई इसके साथ में बहुत गलत चोट कर रहा हूँ मैं, बाकी ये देखो भाई कैसी शक्ल बना रहा है ये चला गया यार। लेकिन अगर देखा जाए ना तो इतना आसान नहीं है यार के मतलब है ना ऐसे इसको गेम को कंप्लीट करना, काफी बड़े बड़े मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे यार। ओके चलो ठीक है, अब वो पीछे देखे जिससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और यहाँ पे ना मुझे ऊपर की साइड जाना है तो ओके वेट, यहाँ पे शायद से कुछ है नहीं यार, यहाँ पे हमें कोई काम का सामान देखने को नहीं मिल रहा यार। सो ठीक है यार हम लोग एक बार लास्ट कोशिश कर लेते हैं इसके ऊपर जाने की। सो वेट लास्ट बार हम लोग है ना यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते हैं क्या इसके अंदर हमें कुछ मिल सकता है। और चलो ठीक है यार अभी लास्ट एंड फाइनल हम लोग कोशिश कर ही लेते हैं इस जगह पे जाने की क्योंकि अगर हम लोग है ना भाई अपने
बॉडी पार्ट चाहिए ना हमें। सो ठीक है यार यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ और काम का सामान तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे एक बॉडी पार्ट भी चाहिए। ओ फिर यहाँ पे यार ये ज़ॉम्बी है यार, इतना सा ज़ॉम्बी मैंने देखा नहीं यार यहाँ पे। और ये शायद से ना यहाँ पे अभी नीचे आया हुआ, और मैं इसको ना साइलेंट अटैक करके मार सकता हूँ। वेट यहाँ पे हम लोग है ना थोड़ा सा नीचे बैठ जाते हैं और इसके पीछे जाके साइलेंट अटैक करते हैं। यहाँ पे ये खत्म भाई। चलो अभी मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ हैं, और अभी शायद से ना हम लोग ऊपर जा सकते हैं। लेट्स गो। और अब ऊपर कोई ज़ॉम्बी नहीं होना चाहिए यार। ऑल राइट यहाँ पे, लेकिन जगह कहाँ पे है? ओह शिट शिट, यहाँ पे मेरे को नीचे जाना होगा जल्दी से, क्योंकि अगर हम लोग गए तो भाई हमारा काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। जल्दी से हम लोग वापस से बाहर निकल जाते हैं यार। वहाँ पे ऊपर दो ज़ॉम्बी थे यार अभी भी। ऑल राइट गाइज यार, यहाँ पे हमें आखिरकार यहाँ पे हेल्थ मिल गई है, और यहाँ पे हमने हेल्थ भी लगा ली है। सो ठीक है, अब है ना भाई उन छोटे ज़ॉम्बीज को मारने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो। एंड मैं ना पिस्टल से मारूंगा दूर से रह के, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे क्लोज गए ना उनके, तो यार भाई वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो चलो ठीक है यार, क्लोज जाना पड़ेगा हमें एक बार। तो लेट्स गो ऊपर चढ़ते हैं, और वो शायद से ऊपर ही होंगे यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके वहाँ पे है ना वो, कहाँ पे गए यार मेरे को दिख नहीं रहे। ओ चो रहा एक, ठीक है आ जा बैठे, दिख जा। चल ठीक है, वो नीचे गया, वो नीचे गिर गया एक ही बार में। लेट्स गो, हम लोग जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग गैराज में आ चुके हैं, और मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सेफ रहना होगा। ओके वो रहा एक ज़ॉम्बी। चल तेरी स्किप भैंस के, ओ मन नहीं रहा यार ये। चला इसके एक लगी, कहाँ पे गया वो, तेरी भैंस की टांग मारू तेरी, आएगा तू, चल बेटे रुक जा, खत्म तेरी तो, हट तेरी भैंस की टांग। ओ यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन और ज़ॉम्बीज आने से पहले पहले ना मुझे यहाँ से है ना किसी भी हालत में भाई अपने बाइक का बॉडी पार्ट लेना होगा। सो यार यहाँ पे आखिर बाइक का बॉडी पार्ट कहाँ पे है? ओके तो यहाँ पे एक मैप मिला है, जो कि शायद से हमें किसी काम का नहीं है। ओके तो यहाँ पे चलो भाई हम लोगों को भाई अपनी शॉटगन की एमओ मिल गई है। सो भाई रिलोडिंग कर लेते हैं यार। ओके तो यहाँ पे अभी हमें ना, मैं सबसे पहले भाई अपना बाइक का बॉडी पार्ट लेना है यार, क्योंकि अगर और ज़ॉम्बीज आ गए ना तो यार ये हमारी शॉटगन की एमओ कब ख़त्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे चलो हमें यार फ्यूल कैन भी मिल चुका है, लेकिन यार फ्यूल कैन तो भाई इतना सारा मिल रहा है, लेकिन हमें यार भाई अपनी बाइक नहीं मिल रही है। ओके चलो यहाँ पे भाई अपनी बाइक हो सकती है। सो यार यहाँ पे आखिर बाइक कहाँ पे है, ताकि हम लोग उसका बॉडी पार्ट ले सकें। ओके बोरा। सो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और सामान ले लेते हैं, क्योंकि हमें अभी बॉडी पार्ट तो यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे सबसे पहले ना और जितना भी कोई काम का सामान है ना हम लोग उठा लेते हैं। चल ठीक है भाई, ओपन हो जा तू भी। ओके तो यहाँ पे भी चलो भाई हमें कुछ काम का सामान मिल चुका है हमें। सो ये क्या है यार यहाँ पे। ओके तो शायद से हमारा बैग फुल हो चुका है, और क्या हम लोग अपना बाइक का बॉडी पार्ट उठा पाएंगे ना, चलो देखते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे चलो हम लोगों को अपना बाइक का बॉडी पार्ट मिल चुका है, और चलते हैं भाई बूजर के पास में। ओ ओ ये क्या हुआ, शायद से बूजर को है ना रिपल्स ने पकड़ लिया है, रिपल्स की गैंग ने पकड़ लिया है। हम लोगों को जल्दी से जाना होगा, लेट्स गो निकलते हैं भाई। वो ज़्यादा दूर नहीं है बूजर, आ रहा हूँ भाई मैं आ रहा हूँ भाई, टेंशन मत कर, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले यार, क्या होने वाला है आखिर पता नहीं। ओके तो यहाँ पे शायद से इसके पीछे ये वो भाई, आ रहा हूँ मैं। हो तो यार ये भाई दो टकले हैं रिपर्स, जो कि भाई अपने बूजर का हाथ चला रहे हैं। ओ शिट, अबे साले टकलों यार, मुझे क्या लगता है ना कि शायद से ये उसी गैंग के मेंबर है। ओ दो नहीं है यार, यहाँ पे बहुत सारे हैं ये। ओ यार यहाँ पे हमारे बूजर का हाथ जला रहे हैं यार ये तो। भाई बूजर छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। ओ
अरे यार भाई बूजर जिंदा रहना भाई, मरना मत बस तू। गाइस यार यहाँ पे बूजर की काफी ज्यादा हालत खराब कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग यहाँ पे ना कंट्रोल से अपने कवर ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चलो भाई अपन जेड से फायर भी कर सकते हैं, ओके। सो भाई ये रहे देखो यार अपने बूजर के भाई हाथ जला रहे थे ना, अब रुको इनके टकले पे बजानी होगी। तेरी तो अब तेरी भैंस की टांग तेरी, अब तेरी तो तक तेरी तो एक तो गया, एक और गया, रुको ये आया तेरी तो हट, रुको यार हम लोगों को पिस्टल लेनी होगी यहाँ पे, और ओ शिट यहाँ पे कवर लो, हट तेरी तो यहाँ पे, ओ शिट मेरे को लगता है हमारी गोलियां खत्म हो चुकी है। एंड हम लोग यहाँ पे से पिस्टल लेते हैं सबसे पहले, चलो ठीक है अभी आओ बेटा, टकला दिखा तू तेरा, रुक जा तेरी तो, तू गया अभी शायद से, यहाँ पे एक ही बचा है वो भाई बुजर, आराम से। हाँ रुको यार इसको ना भाई ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ना थोड़ा तड़पा तड़पा के मारेंगे, तेरी तो भैंस की टांग मारू तेरी, आ चल यहाँ पे निकल तू, साले हमारे दोस्त को मारेगा तू, हाँ रिपल्स रिपल्स गैंग हो तुम्हारी, तुम्हारी रिपल्स गैंग की। तो यार हम लोगों ने इसकी हालत खराब करके रख दिया है, और भाई हमारा बुजर भाई हमें ठीक तो है ना, ओ शिट यहाँ पे बुजर का हाथ काफी ज्यादा खराब हो चुका है। ओह गाइस यहाँ से पीछे ज़ॉम्बी देखो यार कितने सारे आ रहे हैं, कम ऑन बुजर, चलो कम ऑन बुजर, अगर यहाँ से नहीं निकले तो दोनों खत्म हो जाएंगे। शिट यार भाई वो आने वाले हैं, जल्दी निकलो। ऑल राइट गाइस यहाँ पे चलो हम लोग भाई कैसे भी करके निकल चुके हैं। एंड यार सच में जो रिपल्स गैंग थी ना, ये कुछ ही मेंबर थे इनके, लेकिन यार इन कुछ ही मेंबर ने ना भाई अपनी बूजर का हाथ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है, और अभी शायद से हम लोग यहाँ से ना एकदम सेफ जगह पे निकल चुके हैं, देखते हैं यार आखिर क्या होने वाला है। ऑल राइट यहाँ पे हम लोग लगता है ना इसके हाउस में आ चुके हैं, ओके चलो ठीक है भाई हम लोग यहाँ पे इनके घर पे आ चुके हैं। चलो ठीक है यार भाई आराम कर गुजर, they got to have sterile bandages and painkillers. Don't leave my bike there. No. I'm going to be going out on foot while it's still light up. Hey. I've got some ammo if you need it in the footlocker by the door. Thanks. Okay, तो यहां पे हम लोग अपनी गन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? Boozer. अरे यार भाई बूजर ने क्या बोल दिया यार, बूजर ये बोल रहा है कि भाई है ना मेरे को ये अपनी शॉट गन वापस दे दो, क्योंकि इसको है ना भाई बूजर को ऐसा लगता है कि अगर मेरी गन मेरे से दूर होती है ना तो मेरे को ऐसा लगता है मैं जैसे कोई बिना कपड़ों में हूँ। सो भाई चलो यार भाई इतना ज़्यादा डैमेज है फिर भी उसको भाई अपनी शॉट गन चाहिए। सो ठीक है यहाँ पर लेकिन ये अपना लॉकर है जिसके अंदर हम लोग अपने कुछ एक्स्ट्रा वेपन रख सकते हैं फिलहाल, तो हमारे पास में यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वेपन्स है या नहीं है। यहाँ पे तो चलो हमारे पास एक पिस्टल है जो कि ठीक है यार, और यहाँ पे ये क्या है, ओह यहाँ पे यार अपने पास में एक क्रॉसबो है जो कि हम लोग यार यहाँ से ना ले लेते हैं, क्योंकि ये है ना भाई हमें साइलेंट अटैक में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। सो ठीक है हम लोग इनको इसको ले लेते हैं। सो ठीक है गाइज अभी है ना भाई हम लोगों ने अपनी यहाँ पे क्रॉसबो ले ली है, लेकिन गाइज है ना हमें अभी आगे करना क्या है कि यहाँ पे है ना भाई बूजर की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पे देखो यार भाई इसका हाथ जो है भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। एंड यार ये भाई क्या सो रहा है कि भाई इसके आंखें खुली क्या कर रहा है भाई बूजर, भाई काफ़ी ज़्यादा उजास है यार बूजर अपना। चलो कोई नहीं फिलहाल अभी है ना भाई हम लोगों को आगे के लिए ये करना है कि हमारी जो बाइक थी ना जो कि एक अपने नियॉन नाम के बंदे ने हमारा फ्यूल पंप काट दिया था, तो हमारे पास में अभी उसका बॉडी पार्ट आ चुका है अपनी बाइक का, और हम लोग है ना भाई उस बाइक को लेके आने वाले हैं, और साथ ही में है ना रास्ते में अगर हम लोगों को वहाँ पे कहीं पे भी बैंडेजेस वगैरह मिलती है ना तो हम लोग है ना भाई बूजर के लिए भी वो लेके आएंगे, क्योंकि बूजर की है ना भाई अभी यहाँ पे हाथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, तो
तो हम लोगों को किसी भी हालत में ना भाई एक अकेले कोई मिशन पार करना पड़ेगा ये। सो ठीक है फिलहाल गाइस है ना भाई, हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत उतर कर देख लेते हैं यार अपना ये हाउस कैसा है, मतलब हाउस नहीं बोलेंगे यार, इसको एक छोटा सा कैंप बोलेंगे हम लोग, जो कि हमारे लिए यहाँ पे एक सर्वाइव में काम आएगा। ओके तो यार यहाँ पे हमारे पास में एक ऑटोमेटिकली डोर है, सो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज यार यहाँ पे ना भाई हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है, और यार वो जो सफ़र है ना गाइज वो आप लोगों को इसका थर्ड एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइज यार आज के लिए वीडियो में इतना ही, एंड गाइज यार अगर आप लोगों को है ना यार ये इसकी सीरीज है ना पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइज यार आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड अगर गाइज है ना अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो गाइज यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से ना भाई अपने 2K सब्सक्राइबर करवा दो। सो ठीक है गाइज यार आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइज यार बाय बाय। With the